ये जो किसान है वो बता रहे हैं कि जंगली सुअर कहाँ से आते हैं, तो ये वो जगह है और ये वो बैटरी है जिनसे ये एक तरह से आप इसको जुगाड़ मान लीजिए। तो इससे क्या होता है प्रकाश जी? ये जो अपना लाइट लाते हैं, जो टॉर्च लाते हैं, हाँ हाँ टॉर्च है, यानी कि बैटरी है ये। हाँ, बैटरी है जी। पुरानी टॉर्च निकाली थी, हाँ हाँ, उसको हम चार्जिंग करके ये एलईडी बल्ब लगाते हैं। अच्छा अच्छा, छोटा सा। हाँ हाँ, तो इससे क्या होता फिर? इसकी जो लाइट रहती है, हाँ हाँ, वो जलती है, वो जलती है तो उसको दिखता है बंडूरे को। हाँ हाँ हाँ, भाई वहाँ करंट लगा हुआ। अच्छा, करंट, उनको ये लगता है कि यहाँ कोई करंट होगा, करंट का तार होगा, तो वो फिर उस रास्ते से आते नहीं है। रास्ते से आते नहीं है, उसको ये लाइट दिखते ही वो वहाँ से भाग जाए। अच्छा, भाग जाते हैं। अनुमान से आधा नुकसान हो गया, 50% नुकसान हो गया। 20-25 की एक टोली आती है साथ। अच्छा, जब 20-25 एक साथ आते हैं जी, जो बड़ा रहता है वो आगे घुसता है, वो तार तोड़ देता है, फिर बाकी आराम से अंदर घुस जाता है। अच्छा 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 अच्छा, उसके अलावा फिर उनको रोकने के लिए और क्या करते हैं फिर उनके लिए? सर मैंने तो देसी जुगाड़ करके रखा है, चलता हुआ वो सांस को जब अंदर खींचता है तो वो खींचता है, तो वो मिर्ची अंदर चली जाती है, अंदर जाती है, नाक में चली जाती है, वो भाग जाता है। और अपन को मालूम हो गया अंदर भंडूरे है, तो अपन अंदर निकालने जावे तो कोई तो सामने अटैक कर लेता है। अच्छा, सामने अटैक कर देते हैं। तो ये जो जंगली सुअर है दिन में नहीं आते? दिन में नहीं आते। रात में ऐसा कौन सा समय होता है कि जिसमें ये खेतों में घुसते हैं? किसान भाइयों नमस्कार, हमेशा मैं आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारी लेकर के आता हूँ, कुछ नई फसल को लेकर के आता हूँ, एक नए प्रगतिशील किसान को से आपको मिलवाता हूँ। लेकिन किसान भाइयों, ये वीडियो जब बना रहा हूँ तो मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा खेद है कि किसान ने अपने यहाँ खेत के अंदर 3-4 महीने उन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ में, अभी आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बाजरे का खेत है और बाजरा भी इतना शानदार हो रहा है, लेकिन अभी जो आप देख पा रहे हैं कि ये पीछे जो फसल है ये बिल्कुल नीचे गिरी हुई है। हुआ यूं कि जैसे ही ये फसल बराबर हुई है, छिट्टे जैसे ही पकने को तैयार हुए हैं और किसान को एक उम्मीद जगी है कि मैं अपने इस खेत के अंदर से बहुत ही बढ़िया पैदावार लूंगा, क्योंकि ये पैदावार भी बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान भाइयों, आप लोगों को लग रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो किसान भाइयों ये जो वीडियो है ये बाड़मेर जिले का है और बाड़मेर जिले के अंदर किसान बारिश से तो परेशान रहता ही है, पानी के जल के अभाव के कारण से बड़ी दिक्कत का सामना करना होता है, लेकिन यहाँ किसान को बारिश से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि जंगली सुअरों के आतंक से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आप लोग ये पीछे देख पा रहे हैं कि सारी की सारी जो फसल है, और मुझे लगता है कि ये 50% यहाँ जंगली सुअरों ने इस फसल को तबाह कर दिया है, पूरी तरीके से किसान की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर पानी फेर दिया। किसान भाइयों, अभी आप लोग ये देख पा रहे हैं कि जो जंगली सुअर हैं उन्होंने इस फसल को बिल्कुल नीचे से उन्होंने उसको तोड़ा है, और तोड़ने के साथ में जो ऊपर जो सिट्टे हैं सिट्टों को भी उन्होंने फाड़ दिया है, यानी कि उस फटे हुए जो सिट्टा है, फटा हुआ सिट्टा है या जो गिराया हुआ जो सिट्टा है बाजरी है, उससे किसान अब बाजरा ले नहीं सकता है, यानी कि पूरी तरीके से जमीन के अंदर उसको मिला दिया है। तो किसान भाइयों, अभी मैं आपको उस किसान से भी मिलवाता हूँ जिन्होंने ये बाजरे की फसल लगाई है, और उनको कितना नुकसान हुआ है उस नुकसान के बारे में भी मैं आपको उनसे जानकर के बताने का प्रयास करता हूँ। और इन जो जंगली सुअर है जिसे कि स्थानीय भाषा में भंडूरा कहा जाता है, और इन भंडूरों से वो किस तरीके से अपने खेत को बचाते हैं, किस तरीके से वो फसल को बचाते हैं, तो उसके बारे में भी अपन उनसे जानकारी जुटाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये वीडियो केवल आपको इस बारे में जानकारी प्रदान करना है कि जो किसान है बड़ी मेहनत के साथ में अपने यहाँ फसल लगाता है, बाजरी जो कि यहाँ का मुख्य खाद्यान्न पदार्थ है, का मुख्य खाद्यान्न अनाज है, जो कि हर किसान अपने यहाँ पूरे साल भर उस बाजरी की रोटी जो है वो बना करके अपने यहाँ अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन आज स्थिति ये हुई है कि बारिश के कारण से तो किसान परेशान होता ही है, कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है, और कई बार बारिश समय पर नहीं होती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन यहाँ किसान के पास में पानी था, बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पैदावार के लिए, लेकिन जैसे ही पैदावार
ये आई है, कटाई के ऊपर आई है। उसी दरमियान यहाँ जो सुअरों का जो आतंक है वो इतना ज्यादा है कि पूरी फसल को उन्होंने चौपट कर दिया है। दोस्तों ये वो किसान है जिनके यहाँ ये जो जंगली सुअर है उन्होंने ये आतंक मचाया है और पूरी फसल को लगभग चौपट कर दिया है। वो दिखने में फसल बहुत ही शानदार है, 8 से 9 फीट इस बाजरे की ऊंचाई है और लगभग जो सिट्टा है, सिट्टे की जो लंबाई है वो भी 9 से लेकर 15 इंच तक की यहाँ इस सिट्टे की लंबाई है। यानी कि कहने का जो मतलब है कि पैदावार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब पैदावार कटिंग के ऊपर आई और उसी दरमियान जो खेत के अंदर है जंगली सुअरों का आतंक हुआ और जंगली सुअर लगातार 2 से 3 दिन तक इस खेत के अंदर आते रहे और फसल को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। अभी आप लोग ये देख पा रहे हैं कि फसल पूरी तरीके से नीचे गिरी हुई है, सिट्टे भी पूरी तरीके से बिखेर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं। अब उन सिट्टों से बाजरी लेने की कोई उम्मीद किसान को नहीं है। तो किसान से अपन बात करते हैं, आपने यहाँ अपने खेत के अंदर बाजरी लगाई है और ये कितने बीघे में लगाई है? अच्छा, यानी कि 2 हेक्टेयर के अंदर आपने ये बाजरी लगाई है और बाजरी भी बहुत ही शानदार नजर आ रही है। लेकिन ये क्या हुआ आपके, जब ये फसल अभी कटाई को पर आई है लेकिन अभी चारों तरफ ये जो फसल है पूरी तरीके से चौपट बंडूरों ने कर दी है, जिसे स्थानीय भाषा के अंदर बंडूरे कहा जाता है, यानी कि जंगली सुअर जो है, तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधे से ज्यादा फसल को उन्होंने खराब कर दी? ये सब क्या, मैंने थोड़ा बाजरा लेट लगाया था, आजू बाजू जिसके भी बाजरा है उसने काट लिया है, उन्होंने काट लिया, एक बार एक ही बाजरे खेत बचा ये बाजरे का, तो सब बंडूरे यहीं आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आपने थोड़ी सी फसल को लेट लगाया, लेट लगाने के कारण से आपने इस फसल को लेट तक रखा और आसपास में सारी जो बाजरे की जो फसल है उसकी कटाई हो चुकी है, जिसके कारण से सारे जो जंगली सुअर है जिसे स्थानीय भाषा में भंडूरे कहा जाता है और इस खेत के अंदर घुसाए और इस सारी फसल को चौपट कर दिया। अच्छा, ये कितना परसेंट आपके इस फसल के अंदर नुकसान हुआ है, एक अनुमान कितना लगा? अनुमान से आधा नुकसान हो गया, 50% नुकसान हो गया। अच्छा अच्छा, इसका जो ये दास रहता है इसका डो का जो कुतर बनाते हैं, हाँ हाँ, अभी ये डोके सारे टूट गए हैं और बाजरी पूरी नीचे गिरा दी है, पूरा गिरा दिया जमीन में। अच्छा अच्छा, ये तो ये बाजरी नष्ट हो गई। हाँ हाँ, ये कभी आगे सर्दियों में इसमें जीरा लगाएगा, जीरे के साथ में ये बाजरी उग जाएगी। अच्छा, बाजरी भी उग जाएगी ये, हाँ, फिर वो लेबर से हटानी पड़ेगी। हाँ हाँ, तो ये आपको यानी कि दोहरा नुकसान हुआ है इसके अंदर। तो दर्शकों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जंगली सुअर है वो किसान को परेशान करते हैं और अभी आप लोग ये देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से ये फसल चौपट हो चुकी है और 50% का नुकसान किसान ये बता रहे हैं। तो प्रकाश जी, ये बताएं कि जो ये जंगली सुअर हैं इनको अपने खेत में ना घुसे, उसके लिए आप क्या करते हैं, ऐसा क्या उपाय करते हैं फिर उनसे बचने के लिए? पहला तो उपाय यही रहता है कि चारों ओर तारबंदी कर दो जाली लगा के। अच्छा, तारबंदी करते हैं, ठीक है। तारबंदी जिसके नहीं है, ये कांटों से बेड़ बना के रखी है, उनमें तो वो रहते नहीं है, वो जो सिर निकाल के आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, घुस जाते हैं अंदर, घुस जाते हैं। के लिए वो सोलर फेंस लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, झटका मशीन जिसे कहते हैं, तो उससे भी ज्यादा उसको सुअर रुकते नहीं है, वो जो आ गया था उसके एक के करंट आएगा वो तार टूट जाएगा, पीछे वो 20-25 की एक टोली आती है सर। अच्छा अच्छा, 20-25 एक साथ आते हैं जी, जो बड़ा रहता है वो आगे घुसता है, वो तार तोड़ देता है, फिर बाकी आराम से अंदर घुस जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि झटका मशीन का भी सुअरों के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा फिर उनको रोकने के लिए और क्या करते हैं फिर उनके लिए? सर मैंने तो देसी जुगाड़ करके रखा है, तो वो जहाँ से कि कल घुसे थे, हाँ हाँ, वहाँ जो उन्होंने वो रास्ता बनाया जी जी, उस रास्ते पे मैंने पुरानी जो छोटी छोटी बैटरी आती है वो बैटरी लेके आया था, उस पे वो छोटा एक इंडिकेटर आता है, हाँ हाँ, एलईडी टाइप जी, वो जला के रख दिया तो उनको लगता कि यहाँ कोई करंट है। अच्छा अच्छा, तो वो एलईडी के पास में आता नहीं है जी जी। और दूसरे जो ये मिर्ची पाउडर रहता है, अच्छा, वो जहाँ से निकलता है वहाँ मिर्ची पाउडर डाल दो, वो चलता है तो वो अपने अंदर खींचता रहता है, लटका करता रहता है। अच्छा अच्छा, यानी कि चलता हुआ वो सांस को जब अंदर खींचता है तो वो खींचता है तो वो मिर्ची अंदर चली जाती है, अंदर जाती है, नाक में चली जाती है, वो भाग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये से देसी जुगाड़ से ही भंडूरे रहते हैं, बाकी ज्यादा कुछ भंडूरों को इलाज नहीं है। अच्छा, इलाज नहीं है। तो यहाँ अगर आसपास के अंदर कितने होंगे, अगर संख्या के आधार पर देखे जाए तो इन जंगली सुअरों की संख्या तादाद कितनी हो सकती है? साहब इतने तो उनकी जनगणना किसने की है, बाकी बहुत रहती है। तो आसपास के सारे किसान परेशान रहते हैं, बाजरी लेट ही, वो अभी इन दिनों में सब बोलते हैं कि हमारे भी भंडूरे आते हैं, हमारे भी आते हैं, तो काफी भंडूरे होंगे। अच्छा, तो इस साल यानी कि जंगली सुअरों ने जो कि स्थानीय भाषा में भंडूरे कहते हैं, तो उन्होंने काफी नुकसान किया है जी।
ये भी बताएं कि आपके जो ये नुकसान हुआ तो बंडूरे किस तरीके से इस फसल को चौपट करते हैं, किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, वो थोड़ा बताओ। इसमें सर जो बंडूरे आते हैं वो डोके को ऊपर यहाँ से पकड़ के नीचे दबाएगा। अच्छा अच्छा, वो छिट्टे के लिए। हाँ हाँ, फिर जहाँ से वो डोका टूटता है वहाँ डोका लीला रहता है, उसका वो जूस निकलता है रस। अच्छा, जो जूस निकल यानी कि उसका जो पानी निकलता है तो उस उसको चूसता है, ये बाजरी खाने के लिए इसको खाड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो इसके बाजरी के अंदर का जो डूरा रहता है जी जी, वो उसके सांस में साथ में ऊंडा जाता है तो वो भाग जाता है वहाँ से। अच्छा अच्छा, ये यानी कि इसको वो खाता नहीं है लेकिन हाँ नष्ट कर देता है। अच्छा, इसको खराब कर देता है। हाँ 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 जी। और एक बार जो अपने ये खेत है इसमें बंडूरे घुस गए। हाँ हाँ, और अपन को मालूम हो गया कि अंदर बंडूरे है तो अपन अंदर निकालने जावे तो कोई तो सामने अटैक कर लेता है। अच्छा, सामने अटैक कर देते हैं। कोई बंडूरे क्या एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, वो सारे इधर इधर हो जाते हैं, फिर मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। अच्छा, अभी आपकी जो ये फसल है जो कि आप कह रहे हैं कि 12 बीघा के अंदर आपने ये बाजरे की फसल की है लेकिन अभी करीब करीब 50% चौपट हो गई है, तो ये कितने दिन में उन्होंने खराब कर दिया इतने? ये सर पहली बार मेरे खेत में बंडूरे 23 तारीख को आए थे। अच्छा, 23 तारीख को आए तो हाँ, तो आज 3 अक्टूबर हो गया यानी कि लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए, उससे पहले भी बंडूरे आते थे, 23 तारीख को आए थे, नष्ट किया था, उसके बाद में मैं रात खेत में ही रहता हूँ। हाँ हाँ, एक दिन मेरा लेट हो गया था खेत में आने के लिए जी, उस दिन बंडूरे मेरे से भी जल्दी आ गए और ये इधर का नष्ट। अच्छा, ये सारा एक ही दिन में नष्ट कर दिया? नष्ट किया। अच्छा, 2 दिन के अंदर, और एक दिन बीच में मैं लेट आया था उस दिन का। हाँ हाँ, यानी कि 2 से 3 दिन आप थोड़ा सा खेत पर आने में थोड़ा लेट हो गए और उसके चक्कर में वो रात्रि के अंदर 10 दिनों में मैं खेत में ही रहता, चारों पेड़ के पास पास में घूमता रहता हूँ पूरी रात। अच्छा अच्छा, तो ये जो जंगली सुअर है दिन में नहीं आते? दिन में नहीं आते, दिन में ये जब कहीं झाड़ियों में रहते हैं। हाँ हाँ, और किसी के खेत में कोई रहता नहीं है तो उनकी बाजरी में बैठे रहते हैं, दिन को खाते करते नहीं है, बैठे रहते हैं। अच्छा, रात में परेशान? अच्छा, रात में ऐसा कौन सा समय होता है कि जिसमें ये खेतों में घुसते हैं? ये सब 10-11 बजे के बाद में ज्यादातर घुसते हैं। अच्छा अच्छा, 11 से लेकर 4-5 बजे के बीच। जी जी, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।